नमस्कार दोस्तों, AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, UPTU का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी इसकी आ चुकी है और आप में से ज़्यादातर लोगों ने आंसर की मैच कर ली है। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आया है तो मेरी कितनी रैंक यहाँ पर बन जाएगी, साथ ही इतने नंबर या इतनी रैंक पर हमको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो क्या आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, और अगर अच्छा कॉलेज आपको लेना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से काम जरूर करने पड़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही UPTU की काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो सीधे बात करते हैं कि कितने नंबर आने पर आपकी कितनी रैंक बन सकती है। यहाँ पर खासकर हम बीटेक और बी फार्मा इनके स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई दूसरा कोर्स है, कोई दूसरी ब्रांच है तो आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक और बी फार्मा के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 600 नंबर का आपका पेपर हुआ था, और अगर आपके 550 नंबर से ज़्यादा हैं, यानी कि 550 प्लस नंबर अगर आपके हैं, तो आप टॉप 10 कैंडिडेट्स में आ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो जो भी बच्चे 550 से ज़्यादा नंबर लाए थे वो टॉप के 10 या टॉप के 20 कैंडिडेट में बहुत ही आसानी से पहुंच गए थे। ये जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूं, ये पिछले 2-3 साल की जो मार्क्स और जो भी आपके रैंक थी उनके अनुसार ये डाटा है। तो इस बार भी इसके आसपास यही डाटा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डाटा आपका चेंज नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें आपके अगर 500 से 550 के बीच में नंबर हैं तो आप टॉप के 100 या टॉप के 200 तक आसानी से आ जाएंगे। 500 से 550 के बीच वाले टॉप के 100 या टॉप के 200 में आसानी से आ जाएंगे। अगर आपके 450 से 500 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आप टॉप के 500 या टॉप के 700, टॉप के 500 या टॉप के 700 स्टूडेंट्स में आसानी से आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपके 400 मार्क्स से लेकर के 450 नंबर के बीच में हैं, 400 से 450 के बीच में, तो आप टॉप के 5000 या टॉप के 4000 में आसानी से आ जाएंगे। पूरे चांस यहां पर आपके बनते हैं। साथ ही अगर आपके 350 नंबर से लेकर के 400 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप टॉप के 10000 या टॉप के 12000 स्टूडेंट में आसानी से आ जाएंगे। यहां पे टॉप 10 का मतलब टॉप 8000 भी हो सकता है, टॉप के 8000। इसके बाद अगर आपके 300 से 350 के बीच में नंबर हैं तो आप टॉप के 20 के या टॉप के 18-19-20, यानी कि टॉप के 18-19-20000 जो भी स्टूडेंट हैं तो उनके बीच में आपकी रैंक यहाँ पर आसानी से आ सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बात करेंगे कि कितनी रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, साथ ही अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या काम जरूर करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके 250 से 300 के बीच में नंबर हैं तो आपकी कितनी रैंक बनेगी। तो 250 से 300 वालों की रैंक जो है वो लगभग 30-35 हज़ार के अंदर आपकी बन जाएगी। आप जो ऊपर के 35 के स्टूडेंट होंगे, 30 से 35 हज़ार उनमें आपका नंबर आ जाएगा। साथ ही अगर आपके 200 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक हैं तो आप टॉप के 50,000 जो कैंडिडेट रहेंगे, 50,000 रैंक तक उसमें आपकी रैंक आ सकती है। साथ ही अगर आपके 150 से 200 नंबर के बीच में हैं, यानी कि अगर आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग 50-50 नंबर ला लिए हैं तो भी आप टॉप के 70,000 या टॉप के 75,000 स्टूडेंट तक आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 70-75 हज़ार स्टूडेंट ने यहाँ पर आपका एग्जाम दिया है। अगर आपके नंबर इससे भी कम है तो आपकी रैंक इससे भी डाउन रहेगी और यहाँ पर फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने मार्क्स और रैंक के बारे में आपको बता दिया है। अब सीधे बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आपके सामने जो भी यहाँ पे मैंने तीन जो रैंक आपके सामने दिखाई हैं, टॉप 10, टॉप 100 और टॉप 500, इसमें अगर आपका नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन 100% मिल जाएगा। 100% श्योर रहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके 450 नंबर से ज़्यादा हैं, 450, 500, 550, तो आपको एक अच्छे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है वो कन्फर्म मिल जाएगा। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपके नंबर 400 से 450 के बीच में हैं, यानी कि आप टॉप के 5000 बच्चों में आ रहे हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर है। हालांकि अगर आप 300 से 350 से 400 के बीच वाले हैं, या आप 300 से 350 के बीच वाले हैं, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेज कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम तक हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक भी मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं।